कुछ दिन पहले हम आप लोगों को दिखाए थे ये तो नाले का जो ऊपर का जो गटर है इसको नहीं बिठाया गया था, सिर्फ ढलाई करके छोड़ दिया गया था, लेकिन इसका काम स्टार्ट हो गया है। आज ही ये गटर इस पर डाला गया नाले पे, जो ढलाई किया हुआ है वो हटा नहीं है, तो अब ये डाल दिया गया है। तो अब बहुत जल्द उम्मीद है कि ये सहरसा लाइन भी चालू हो जाएगा और प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे जो रेलवे लाइन नहीं बिठा था वो भी बिठना चालू हो गया। तो ये पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा जिसमें कि हम दिखाएंगे 3 प्लेटफॉर्म पे जो रेलवे लाइन नहीं बिठा था उस पे बिठाने का काम चालू है और प्लेटफॉर्म को लंबा करने का काम था लंबा कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 3, 2 और 3 को दोनों साइड से कर दिया गया है, तो हम दोनों साइड का नज़ारा दिखाएंगे। ये आपको अभी हम सहरसा साइड का नज़ारा दिखा रहे हैं, 2 नंबर 3 नंबर का, इसको लंबा करके मिट्टी भरा के काम कर दिया गया। और ये देखिए अभी हम जो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे रेलवे लाइन बिठाया जा रहा, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो रेलवे लाइन बिठाया जा रहा है इसका भी काम आज ही स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी अच्छा बात है क्योंकि बहुत दिन से काम अटका हुआ है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जल्दी काम हो जाए ताकि ट्रेन सहरसा तक चले, ताकि यात्रियों को सुविधा हो आने जाने के लिए, क्योंकि बस में किराया काफ़ी लगती है। देखिए हम इस स्टेशन का पूरा नज़ारा दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी आपको कटिहार के साइड से भी 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म को लंबा कर दिया गया, तो वो भी आपको पूरा सीन दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल ये रेलवे बिठाया जा रहा। दोस्तों अगर वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे भी वीडियो ऐसे ही बनाता रहूं। और अगर आप लोगों को कहीं और का भी वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। अभी ये रेलवे लाइन को काटा जा रहा है, काट के एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। देखिए लेबर मजदूर रेलवे लाइन को आगे से ला के ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाने का काम कर रहे हैं। अगर काम ऐसे ही होता रहा तो उम्मीद है कि अप्रैल में ट्रेन चलने का ज़्यादा संभावना है, तो आप लोग भी उम्मीद कीजिए कि अप्रैल से ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बहुत डिले हो चुका, बहुत ज़्यादा डिले हो चुका, इतना डिले नहीं होता है कहीं। अभी हम आगे पटेल चौक के साइड चलेंगे, देखेंगे 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म को कितना लंबा किया गया है और मिट्टी भराई हुआ या नहीं हुआ और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे कितना काम हुआ है वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। पटेल चौक के साइड से ये प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 को करीब 20 या 25 मीटर लंबा कर दिया गया और इस पर मिट्टी भी भराई हो गया, बस अब इस पर प्लास्टर करना बचा हुआ और आगे इस प्लेटफॉर्म पे जो 2 नंबर पे है पूरा लंबा जो बचा हुआ था इस साइड 2 नंबर के साइड का हिस्सा, इस पर अभी ईंट डाल के इसको लेवल करने का जैसे प्लास्टर करना है, प्लास्टर करने का ये प्लेटफॉर्म ओके हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को कहीं और का भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।